नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में एक और विशेष जानकारी हम लोग आप लोगों के लिए लेकर आए हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप जानेंगे तिल के लड्डू खाने के फायदों के बारे में। तो दोस्तों, इस संदर्भ में आगे बढ़े इससे पहले इसके बारे में कुछ जानकारी। दोस्तों, तिल और गुड़ के मिश्रण से लड्डू बनाए जाते हैं। इस तेल वाले लड्डू को विशेष करके सर्दियों के दिनों में खाया जाता है। वैसे भी ठंड के दिनों में तिल से बनाए गए गजक, रेवड़ी, चक्की आदि बाजार में आसानी के साथ मिलने लगते हैं। लेकिन आज हम आपको तिल और गुड़ के मिश्रण से बनाए गए तिल के लड्डू खाने के फायदों के बारे में बता रहे हैं। दोस्तों, तिल लड्डुओं का सेवन सर्दियों के दिनों में करने से एक तो शरीर गर्म रहता है, दूसरा शरीर में ताकत भी आती है। तिल तीन प्रकार के होते हैं, लाल, सफ़ेद और काले। दोस्तों, लाल तिल का इस्तेमाल कम ही किया जाता है। वैसे तो सफ़ेद तिल के ही लड्डू बनाए जाते हैं। तिल में कैल्शियम और आयरन प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। साथ ही तिल प्रोटीन, कॉपर, फाइबर, कार्बोहाइड्रेट और विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का एक बढ़िया सोर्स माना जाता है। तिल तो अपने आप में सेहत के लिए कुदरत का दिया हुआ वरदान होता है, लेकिन जब इसे गुड़ के साथ मिलाकर खाया जाता है, यानी कि इसके लड्डू बनाकर अगर खाएं तो इसके फायदे दोगुने हो जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब आपको बताता हूँ कि तिल के लड्डू खाने के क्या क्या फायदे हो सकते हैं। तो दोस्तों, इसका पहला फायदा आता है टेंशन रिलीज करने में। जी हाँ दोस्तों, तिल के लड्डू नियमित रूप से खाने से टेंशन दूर होती है, साथ ही अनिद्रा और थकान जैसी समस्याओं से छुटकारा मिल सकता है। दोस्तों, इसका दूसरा फायदा आता है माइंड यानी कि दिमाग के लिए। इसमें विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, कैल्शियम और प्रोटीन उच्च मात्रा में होते हैं। रोजाना अगर 50 ग्राम तिल के सेवन से शरीर के लिए जरूरी दैनिक कैल्शियम की मात्रा आप प्राप्त कर सकते हैं। तिल के लड्डुओं को खाने का सबसे बड़ा लाभ यह है कि इससे मानसिक कमजोरी दूर होती है, साथ ही दिमाग को जबरदस्त लाभ होता है, यह टेंशन को खत्म करता है। दोस्तों, इसका अगला फायदा होता है कब्ज को दूर करने में। तिल फाइबर का एक अच्छा सोर्स है, इसलिए तिल और गुड़ के मिश्रण से बनाए गए चक्की को खाने से कब्ज की बीमारी में फायदा होता है। यह कब्ज को दूर करने में मददगार होता है और जिससे पेट पूरी तरह से आपका साफ हो सकता है। दोस्तों, इसका अगला फायदा यह है कि यह एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होता है। जी हाँ दोस्तों, तिल और गुड़ दोनों ही एंटीऑक्सीडेंट गुणों से भरे हुए होते हैं। तिल के लड्डुओं को खाने से शरीर को वायरस, बैक्टीरिया आदि से लड़ने में मदद मिलती है। साथ ही इसमें पाए जाने वाले एंटीऑक्सीडेंट एंटी एजिंग का काम करते हैं, जिससे आप लंबे समय तक जवान बने रह सकते हैं। दोस्तों, इसका अगला फायदा आता है कैंसर में। जैसा कि आपने पहले ही जान चुके हैं कि तिल के लड्डू एंटीऑक्सीडेंट से भरे हुए होते हैं, साथ ही इसमें एंटी कैंसर तत्व भी पाए जाते हैं। दोस्तों, ऐसे में इनका नियमित रूप से सेवन करने से कैंसर जैसी खतरनाक बीमारी से बचने में थोड़ी बहुत मदद आपको मिल सकती है। दोस्तों, इसका अगला फायदा आता है गठिया की बीमारी में। अगर आप गठिया के मरीज हैं तो प्रतिदिन तिल और गुड़ से बनाए गए लड्डू को जरूर खाएं। सर्दियों के दिनों में गठिया की बीमारी और भी ज़्यादा दर्दनाक बन जाती है। गठिया के मरीजों को सर्दियों के दिनों में काफ़ी ज़्यादा सूजन का सामना करना पड़ता है। ऐसे में उन्हें तिल का लड्डू जरूर खाना चाहिए, क्योंकि इससे गठिया में होने वाली सूजन और दर्द को कम करने में मदद मिलती है। दोस्तों, इसका अगला फायदा यह है कि यह कैल्शियम का एक सोर्स होता है। तिल के लड्डू कैल्शियम के बेहतरीन स्रोत होते हैं। इनके सेवन से हड्डियां मजबूत बनती है, सिर दर्द आपका दूर होता है और पीएमएस सिंड्रोम जैसी बीमारी की रोकथाम में आपको काफ़ी ज़्यादा मदद मिलती है। दोस्तों, इसका अगला फायदा है स्किन के लिए। यह विटामिन बी और विटामिन ई का एक अच्छा सोर्स है, जिससे आपकी स्किन लंबी उम्र तक ग्लोइंग और यंग बनी रहती है। सर्दियों के मौसम में तिल के लड्डुओं को खाने से आप लंबी आयु तक जवान दिखाई दे सकते हैं। बुढ़ापे का असर आपके चेहरे पर कम होने लगेगा और आपकी जवानी बरकरार रहेगी। दोस्तों, इसका अगला फायदा होता है डायबिटीज़ में। एक रिसर्च के अनुसार तिल डायबिटीज़ के मरीजों के लिए, जो टाइप 2 डायबिटीज़ के रोगी हैं, उनके लिए औषधि की तरह काम करता है या सिद्ध हुआ है। तो ऐसे में अगर देखा जाए तो डायबिटीज़ वाले जो भी पेशेंट्स हैं, जो भी मरीज हैं, उनके लिए भी तिल फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। दोस्तों, अगला इसका फ़ायदा होता है सर्दी जुकाम को दूर करने में।
सर्दियों के दिनों में ठंड के कारण आपको कफ, सीने में जमाव, साइनस आदि समस्याएं हो जाती हैं। इन सभी परेशानियों को दूर करने के लिए तेल के लड्डू का सेवन करें। तेल के लड्डुओं को खाने से शरीर अंदर से गर्म रहता है और ठंड से बचने में आपको मदद मिलती है। साथ ही इससे सर्दी जुकाम जैसी प्रॉब्लम से छुटकारा आपको मिल सकता है। दोस्तों, इसका अगला फायदा होता है दांतों के लिए। तिल मसूड़ों से खून आने की समस्याओं से निजात दिलाता है, साथ ही दांतों की सड़न दूर करता है। तिल का सेवन करने से दांत जड़ों से मजबूत बन जाते हैं, साथ ही मसूड़ों से भी स्वस्थ बने रहते हैं। तो दोस्तों, ये थे तिल के लड्डू खाने के फ़ायदों के बारे में जानकारी। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की विशेष जानकारी आप लोगों के लिए। हम आशा करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आती है दोस्तों, तो प्लीज़ अपना एक कीमती लाइक हमें ज़रूर दें। और दोस्तों, अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएँ, क्योंकि आपकी सेहत के संदर्भ में हर विशेष जानकारी आपको इस चैनल में मिलती रहेगी। तो आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। बहुत बहुत धन्यवाद।